हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कोलास कंजक्चर हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना भी हो तो पहले हम देखते हैं कि होता क्या है ये सो so, कोलास कंजक्चर को हम बेसिकली बाकी नाम और नाम से भी जानते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज हासीज़ एल्बोरिदम उलम्स प्रॉब्लम साइरक्यूज प्रॉब्लम कैक्यूटानीस प्रॉब्लम तो ये डिफरेंट नेम्स हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं एक कंजक्चर है क्या है गिवन एनी आबिट पॉजिटिव इंटीजर एन मतलब हमें अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन गिवन है हमें उस पर करना क्या है इफ द नंबर इज इवन डिवाइडेड बाय इफ द नंबर इज टी ट्रिपल इट एंड एड वन या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं हमने नंबर एम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है टी सच दैट एन इज इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज इवन और थ्री एन प्लस ये बस हमने जो डिनोट uh, करने का तरीका है वो डिफरेंट है ये अपने लैंग्वेज में करें पे हमने मैथमेटिकल नोटेशन में करें मीनिंग सेम है अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने कब तक है वी रिपीटेडली अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन टी व्हेन वी रिपीटेडली अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन टी वी विल इवेंचुअली रीच द इंटीजर वन मतलब हमें कंजक्चर क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन गिवन है उस पर अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो इवेंचुअली वो नंबर वन तक पहुंच जाएगा यह हमारा कंजक्चर है अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है इंटरेस्टिंग बात यह है हमारी इस कंजक्चर का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है अभी तक कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर पाया है कि ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है लेकिन इसको कोई डिस भी नहीं कर पाया है आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो उस पर ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ इवेंचुअली आपको वन मिल ही जाएगा तो अभी तक नाइस कंजक्चर का कोई प्रूफ है ना कोई डिस्रूफ है ऑल दो काफ़ी स्टेटमेंट्स हमेशा हम इसको ट्रू ही डे कंज्यूम करते हैं क्योंकि अभी तक इसका कोई हम इसको गलत भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं अगर हमें कोई लॉजिकल वे इसका नहीं मिल रहा प्रूफ करने का जो दूसरा तरीका रहता है वो मिलता है एग्जॉस्टिव अप्रोच एग्जॉस्टिव अप्रोच मतलब कि हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें लेकिन हम वो इस केस में नहीं कर सकते क्यों क्योंकि एन तो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर की पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनाइट है तो हम ये इन्फाइट नंबर ऑफ नंबर्स कैसे टेस्ट कर सकते हैं सो so, वो हम नहीं कर सकते हमें इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल है अगर हमें एक एन गिवन है थर्टीन नंबर तो उस हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लगेंगे क्योंकि एन ऑड है तो हमने करा थ्री एन प्लस वन फोर्टी फोर्टी है तो फोर्टी का हाफ ट्वेंटी ट्वेंटी का हाफ क्योंकि ट्वेंटी इज इवन टेन टेन भी इवन है तो टेन का हाफ फाइव फाइव से हम पहुँच गए सिक्सटीन पे why बिकॉज फाइव इज ऑड सो थ्री 5 टू फाइव प्लस वन सिक्सटीन इज इवन तो एट एट इज इवन फोर फोर इज इवन टू टू इज इवन वन तो इवेंचुअली हमें वन मिल गया हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स मिला वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने नाइन नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करे इस पर तो हमें फाइनली इंटीजर मिल गया वन ठीक है ये साथ में हमने एक स्मॉल uh, मीम भी शेयर करा है इसमें आप देख सकते हो इस इमेज में कि अगर हमें वन जीरो सिक्स स्टार्ट है तो नेक्स्ट मुझे क्या मिला क्योंकि ये इवन है तो 53 थ्री फिर फिफ्टी थ्री है तो उसका फाइव थ्री इंटू फिफ्टी थ्री प्लस वन वन सिक्सटी एट्टी फोर्टी ट्वेंटी टेन जहाँ पे हमें आर ओ लगा रहे हैं टेन से हमें फ़ाइव सिक्सटीन एट फोर टू वन एवं वन पे थर्टीन से हम कैसे गए थे फोर्टी ट्वेंटी टेन फाइव सिक्सटीन एट फोर टू वन तो बेसिकली देख रहे हैं हम कि आप कोई भी नंबर देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर की भी हमारी ये चेन गई टेन पे पहुंच गई टेन के बाद तो हमें ये पता ही है हमारी ये चेन आई 176 सेवेंटी सिक्स से वन सेवेंटी से इतनी लंबी आई चेन फाइनली 10 पे पहुंच गई 10 के बाद तो हमें पता है यहाँ पे आई जाएगा या फिर अगर हम 2 की पावर कोई भी एन ले लेते हो तो हमेशा 2 से डिविजिबल है ही तो हमेशा वो तो 1 पे हमें रिच आउट कर ही देगा <laughs> तो हम आज क्या करेंगे हम आज ट्राई करेंगे कि कोलास कंजक्चर को हम एक प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कर सके इससे हमें फ़ायदा क्या होता है प्रोग्राम लेकर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम जो उसकी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब जो हमें हर एक नंबर के लिए टेस्ट करने की ट्रू या फॉल्स है वो थोड़ी ईजी हो जाती है ऑब्वियसली ये भी फुल प्रूफ नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास अपनी एक लिमिटेशन होती है जैसे कि आज हम जो क्लास का जक्चर करेंगे वो हम जावा में लिखेंगे तो जावा में जो लार्जेस्ट इंटीजर हम ले सकते हैं दैट इज़ अराउंड टू की पावर फिफ्टी थ्री माइनस वन विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर तो हम एटलीस्ट पुष्ट नंबर तक तो हम टेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली उसके बाद भी हमारे पास इन्फ्राइट नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी है उनके लिए टेस्ट नहीं कर सकते बट स्टिल अगर हम इतने वन से लेकर टू की पावर फिफ्टी थ्री माइनस वन तक हम प्रूव कर दें कि कोलाज कंजक्चर ट्रू है सो अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये हर एक नंबर के लिए ट्रू होगा चलिए फिर हम आज की अकोडिंग पे शुरू कर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो चलो एक फंक्शन लिख लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं हम कोलाज कंजक्चर लिख लेते हैं उसका इनपुट क्या लेंगे हम एन जो भी एक हमें पॉजिटिव इंटीजर के है, इसको हमने एक आर फंक्शन डिवाइड से डिफाइन कर दिया अब इस फंक्शन में होगा क्या ये हम कब तक करेंगे जब तक कि एन हमारा वन के इक्वल नहीं होता तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एफ एन इज इवन एन को हम क्या करेंगे एन डिवाइडेड बाई टू या फिर एन क्या होगा हमारा थ्री इन टू एन प्लस वन और फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है एन और हमारी रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे हिसाब से वन जस्ट टू चेक कि हमारा प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड बिहेव करेगा एक हम इसमें लॉग स्टेटमेंट लगा देते हैं यहाँ पे मैं एन प्रिंट करा देता हूँ और लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एन ठीक है अब इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं इसको लॉक करा लेते हैं का इनपुट हम थर्टीन से ही शुरू करते हैं देखते हैं कि हमारा सही चलता है कैसा चलता है एक हम टर्मिनल खोल के चलो तो हमने चेक करा कि हमारा थर्टीन से शुरू हुआ था जो हमारी सीक्वेंस प्रिंट हुई है वो हमारी वही सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी अपने फोर्टी ट्वेंटी टेन फाइव सिक्सटीन एट फोर टू वन ठीक है अगर आप देख रहे हो हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करा है अगर हम दूसरा फंक्शन लिखना चाहें तो हम वो भी बहुत ईजीली लिख सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम प्रकॉशन का यूज करके ट्राई कर सकते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सेम है हमें इसमें भी यही करना है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे अगर हमारा एन वन है तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं पे। या फिर एन नहीं है तो अगर एन इवन है तो हम क्या करेंगे एन इज इक्वल टू एन बाई टू एल्स एन इज इक्वल टू थ्री इन एन प्लस वन और फाइनली फिर हम क्या रिटर्न करेंगे रिकर्शन वाला और इसमें हम इनपुट क्या पास करेंगे एन इसमें भी हम चेक के हमारा सही चल रहा है एक लॉग लगा लेते हैं एंड इस पर भी हम सेम प्रिट करते हैं hmm. तो जो हमारा पहला था थर्टीन फोर्टी फर्स्ट ऑफ सेकेंड देख रहे हो कि हमारा सेम आउटपुट आ रहा है अगर हम देखना चाहें कोई आप और इनपुट देख के भी ट्राई कर सकते हो फोर्टी नाइन देख लेते हैं चलो हम एंड इसको हम वन टू थ्री कर लेते हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला था हमारा आउटपुट लास्ट में क्या है वन क्योंकि लास्ट में हम देख रहे हैं कि नॉर्मली ये चेंज थी फोर्टी नाइन के केस में इवेंचुअली टेन पर ही आ गई थी तो टेन फाइव सिक्सटी एट फोर टू सिमिलरली वन ट्वेंटी थ्री वाला भी आप देख सकते हो आउटपुट हर एक स्टेप पे इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन इवेंचुअली भी ये टेन पे आ गया था तो टेन के बाद हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या ही है ठीक है और आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग अब इनको बाकी और इंटीजर से ट्राई करो बाकी नंबर से ट्राई करो देखो कि ये कहीं फेल तो नहीं हो रहा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कहीं कुछ आप इसका कहीं मेथड तो नहीं देख सकते प्रोग्रामिंग में हम हम काफ़ी बड़े नंबर्स का बहुत जल्दी रिज़ल्ट देख तो सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक लिमिट भी होती है क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि ये तो एक पॉजिटिव तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम इनफाइनाइट केसेस के लिए तो नहीं कर सकते तो जैसे हमने देखा अभी मैंने कितना इनपुट दिया है वन लाख राइट तो इसको हमने टेन वन करोड़ कर दिया इसको भी हमने वन लाख इसको हमने टेन करोड़ कर दिया अब देखते हैं कि आउटपुट तो ये दे देगा काफ़ी जल्दी दे, दे देगा लेकिन इसका हम कोई भी हंड्रेड परसेंट प्रूफ नहीं कह सकते कि दिस इज़ ऑलवेज ट्रू इनपुट हमारा ये था फाइनल आउटपुट वन इनपुट हमारा ये था सेकंड केस में फाइनल आउटपुट वन आप कोई भी नंबर इसमें हम बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू देखो जो हमारा सेकंड इनपुट था दैट इज अगेन वन उसका आउटपुट और जो फर्स्ट था उसका भी हमारे पास आउटपुट वन ही आया है चलिए फिर हम देख सकते हैं कि काफी के लिए हमें वन मिल रहा है एक दिन मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा हमने इन फंक्शंस में ये अज्यूम लेके चला कि कॉलर कंज्रक्चर इज ऑलवेज ट्रू अगर कहीं पे भी ये फॉल्स होता तो हमारा ये इन्फ्राइट लूप में अटक जाता वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू वन अगर हमारा किसी भी नंबर के लिए फॉल्स है तो वो दिस वुड बीन एन इन्फ्राइट लूप सेम फॉर रिकर्जन वाला फंक्शन भी ये इनफ्राइट लूप में अटक जाता उसके भी हम लगते हैं कि अगर बाई चांस वो कभी कंडीशन आती है तो हम वो भी प्रॉपरली हैंडल कर सकें ओह चेक कि मैंने पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी सॉरी फॉर दैट चलो कोई फर्क नहीं पड़ता सर फंक्शन नहीं तो सही में थे दोनों जगह सो सो आई होप दिस वॉज क्रिएट यू आई होप आपको ये हमारा फर्स्ट टाइम हमने ये कोड करा है तो आपको ये करने में मजा आया होगा एंड आई होप आप इसके बाद कौलास कंजक्चर के बारे में पढ़ो भी किए क्योंकि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी थी इसके पीछे एक जोक भी चलता था कि दिस प्रॉब्लम वॉज क्रिएटेड इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्पेरेसी सो दैट अमेरिकन मैथमेटिकल रिसर्च जो उस टाइम पे चल रही थी वो स्लो डाउन कर सके क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो मिल नहीं रहा था तो ये एक एज uh, <laughs> अ जोक वहाँ से स्टार्ट स्टार्टअप हुआ था तो हाँ बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमें काफ़ी मज़ा आता है सॉल्व करते हुए मेरे को तो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो आपको मजा है तो प्लीज़ अब एक एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप चाहते हो कि कुछ और हम करें तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो So keep watching, stay healthy, see you guys next time.